ब्रिटिश शासन के स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा रहना पड़ा, तब जाकर हमें पता चला कि आजादी का सही मायने क्या होता है। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे वरिष्ठ सभी शिक्षक गणों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये आजादी का महोत्सव हम सब के लिए खास है, क्योंकि भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में जो लिखा जाता है वो यूं ही नहीं लिखा जाता। इसमें हमारे कई वीरों, कई शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता को हासिल किया। आज ऐसे ही गरिमामय दिन को हम सभी एक साथ मना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। एक क्वेश्चन और उसके साथ में सर को बुलाना चाहूंगी, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर और दो। इस बार हम हर बार स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जैसे पिछली बार आपको आजादी का अमृत महोत्सव का है ना थीम, इस बार की थीम क्या है? जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उसकी थीम क्या है? यस बेटा, हर घर तिरंगा। और कोई और एफर्ट करो। हाँ अभिषेक, नहीं, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, क्या है थीम? वेरी गुड। अब आगे का कार्यक्रम बढ़ाने के लिए रोहित आशोत्तर को बुलाऊंगी। तो आज स्वतंत्रता दिवस आप ध्वजारोहण के लिए प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि मंच पर आकर तिरंगे को फहराने की कृपा करें और अपने देश के प्रति सम्मान व्यक्त करें। एक्चुअली ये मेरा इज द फर्स्ट टाइम बट आई एम गोइंग टू अनफर्ल द नेशनल फ्लैग। एज अ प्रिंसिपल मेरा ये पहला टाइम है जिसमें मैं फहराऊंगा, लेकिन मैं ये चाहूँ क्योंकि मे बी द लास्ट इंडिपेंडेंस डे इन दिस स्कूल। आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस स्कूल। सर राघव सर जो हमारे सामने हैं, इनका ये आखिरी इंडिपेंडेंस डे होगा इस स्कूल में, तो मेरे बदले में आज सर खा जाएंगे झंडा। तो मैं इनको मौका देना चाहता हूँ, प्लीज आ जाइए। सभी
प्रबुद्ध साथियों, विदुषी बहनों और प्यारे बच्चों, बेटा आवाज करोगे तो सुनोगे कैसे? प्यारे बच्चों, सभी को स्वतंत्रवे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 200 वर्षों की गुलामी के बाद ब्रिटिश शासन से हमारे वीर सेनानियों और क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज का ये शुभ दिन मुहैया करवाया है। हम शहीदों की शहादत को कदापि नहीं भूल सकते, जिनकी वजह से आज यह मुमकिन हुआ है कि हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं। हम बिना किसी दबाव के मुक्त होकर इस महान राष्ट्र में रह सकते हैं। 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण के दौरान पिछली साल की उपलब्धियों, महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों और उनके हल तथा देश के आगे के विकास और शिक्षा को रेखांकित करते हैं। उसके बाद ध्वजारोहण होता है, राष्ट्रगान होता है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तत्पश्चात हमारे देश के तिरंगे और इस महान पर्व को सम्मान दिया जाता है। 1857 की क्रांति के समय चारों ओर युद्ध चल रहे थे। उस समय राजा महाराजाओं का जमाना था। अंग्रेजों की भूत नीति और राजाओं की आपसी सत्ता की भूख के कारण हमें आजादी प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद जब हम मुगलों और राजपूतों का समय देखते हैं, उस समय भी आपसी भूत ने देश को कमजोर बनाया है। आज जब हम चारों ओर देखते हैं, तो आज के जो नेता हैं, जिनको सत्ता की भूख है, वे इस भोली भाली जनता को सांप्रदायिकता के जरिए तोड़ रहे हैं। यह लड़ाई देश के प्रति आसानी से कम नहीं होगी, उल्टा दिनों दिन यह बढ़ती जाएगी। हमें आज के इस परिवेश में यथासंभव आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे, और यह तो केवल तभी संभव है जब हमारी आने वाली पीढ़ी पूर्णता शिक्षित होगी। उन्हें हम सही दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें आदर सम्मान और देशभक्ति का मार्ग दिखाएंगे। शहीदों को याद करना, देशभक्ति की बातें करना केवल इतना पर्याप्त नहीं है। हमें सबको मिलजुल के भ्रातृत्व की भावना से मिलजुल कर रहना होगा, अपने देश को स्वच्छ बनाना होगा, हमें अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना होगा, जानबूझकर या अनजाने में भी भ्रष्टाचार का विरोध करना होगा, यहाँ तक कि क्राइम के प्रति जागरूक होकर दोषी को दंडित करना होगा, तभी हमारे देश का निर्माण संभव है, या यूं कहे कि पुनर्निर्माण संभव है। लेकिन बड़ी चिंता का विषय है, आज देशभक्ति राष्ट्र के दो पर्वों में सिमट कर रह गई है। केवल जनवरी और अगस्त में हमारा खून क्यों उबलता है? आज अंग्रेज हमारे देश के दुश्मन नहीं है, और ना ही सीमाओं पर उतना खतरा है जितना हमारे देश को भ्रष्टाचारियों से है। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के मोहताज न बने। हमारी मातृभूमि हमसे यह नहीं चाहती, हमारी मातृभूमि यह चाहती है कि भारत की भूमि भ्रष्टाचार से मुक्त हो, बेगुनाहों का कत्लेआम ना हो, किसी नारी की अस्मत का व्यापार ना हो, यहां तक कि माता पिता को वृद्ध होने का संताप ना हो। और वैसे यह सुअवसर हमें मिला है। प्यारे बच्चों, क्यों ना हम अपने छोटे से कार्य का योगदान देकर मातृभूमि की इच्छा को पूरी करने में उस नींव की मूक शिला बन जाए। आप इस देश के कर्णधार हैं, आप देश के भावी भविष्य हैं। हमें देश के पुनर्निर्माण में एक होना होगा, यही उन वीर सेनानियों शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई,
देता न दशमलव भारत को, यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी थी जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और भूले पले। अब हम आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसको बहुत बढ़िया बातें बताएगा, सभी बच्चे कितना चुप रहोगे, प्रोग्राम देख रहे उतना ही आनंद आए। अरे धूप छाया गर्मी सर्दी ये तो साइकोलॉजी है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर देश का तजुर्बा है तो तुम्हें गर्मी धूप नहीं लगेगी। अरे बेटा अच्छा खुल के बोलना है। अब आप सभी मेरे प्रिय मित्र तथा अध्यापकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रतीक कोठारा है, मैं सेवन का शिक्षक छात्र हूँ। आज मैं आपको भारत के तिरंगे के तीन रंगों के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। केसरिया रंग, केसरिया का मतलब होता है जो हमारे हिंदू भाइयों ने हमारे लिए बलिदान दिया है उसका महत्व। जिस जमीन पे आज हम रह रहे हैं वो हमारे हिंदू भाइयों का बलिदान के वजह से संभव था। जिस कपड़े को आज हम पहनते हैं वो हमारे भाइयों के लिए इज्जत की बहुत ज्यादा बात है। केवल आप सभी लोग हमारे लिए बलिदान दे सकते हैं, और हम आम तो भारत माता के लिए बलिदान देते हैं, पर बलिदान के लिए हमारे लिए भारत इतना कुछ है। हम बस समझते हैं कि भारत माता के लिए हम बलिदान दे रहे हैं, पर जब हम उसकी माटी हवा और जल को दूषित करते हैं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी केमिकल जब नदियों में जाता है तो नदी दूषित हो जाती है, उनका केमिकल जब हमारे प्यारे खेतों में पड़ता है तो खेते दूषित हो जाते हैं, फिर हमारे वही केमिकल भोजन में जाते हैं। और वायु के लिए हम आजकल कई कई तरह की बाइकें ले रहे हैं, और उसमें महंगा जान पूछ के साइलेंसर एक्सोस हॉर्न लगा रहे हैं ताकि हमें मजा आए, पर हमारी भारत माता को उससे बहुत ज्यादा ही वो नुकसान पहुंच रहा है। इसके लिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि हमें जो चीज मिल रही है, जो हमें चाहिए उसका ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। केवल अपने मजे और अपनी सुविधा के लिए अस्तर कीजिए ना लगवाए किसी। हरे रंग का मतलब होता है हरियाली। आप लोग पेड़ों को स्कूल पार्क घरों में ही देख सकते हो। क्या आपने अपनी गलियों में कोई आम का पेड़ देखा है? क्या खुले मैदान में कोई खेल देखते हुए कोई छाव के लिए पेड़ देखा है? नहीं, क्योंकि अब हमें इतनी ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है कि हम पेड़ काट रहे हैं। अभी हमें किसी को बिल्डिंग बनानी है अपने लिए तो हम पेड़ काट देते हैं ताकि हमारी सुविधा पूरी हो, पर हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। जो अभी हमें धूप में बैठे छाव मिल रही है तो वो पेड़ की मदद से मिल रही है, जो हमें अभी जीते हुए सांस मिल रही है तो पेड़ की वजह से मिल रही है। इसके लिए हमें हफ्ते या महीने के साल में एक का एक पौधा जरूर लगाना चाहिए ताकि हमें प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचे, वो भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। सफेद रंग का मतलब होता है शांति, ताकि कोई युद्ध ना करे। हमारे अध्यापक हमेशा यही समझाते हमें कि हमें एक दूसरे में युद्ध नहीं करना चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिल बात के चीजें शेयर करनी चाहिए ताकि सब लोग खुश और शांति का जीवन जी सके। और जो हमारे तिरंगे के बीच में ये चक्र है जिसमें 24
लकड़ी। अब इसको आप लकड़ी कहो, लाइन कहो, कुछ कहो, पर इसका मतलब होता है 24 का 24 घंटे। ये हमारी जिंदगी में ये तीन चीजें हमेशा 24 घंटे चलती हैं, पर हम लोग इनको आजकल बिगाड़ रहे हैं। जैसा हमारा जीवन चल रहा है, हमें उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि स्कूल में आ जाऊँ, मैं और महंगे स्कूल में जाता हूँ। चलो ये तो सस्ता स्कूल है, मैं तो महंगी महंगी कॉपी ले जाऊंगा, अपने दोस्तों को दिखाऊंगा और सारा पेंसिल का डब्बा ले जाऊंगा कि सब समझे मैं अमीर हूँ। मैं महंगी महंगी कॉपी लूंगा ताकि सब समझे मैं अमीर हूँ। टीवी तो आप लिखते हो, कॉपी पेन पेंसिल में लिखते हो, उससे आपको कुछ फायदा मिला नहीं। इसके लिए हमें अपने हमेशा अपने स्वभाव से ही रहना चाहिए, ना ही किसी की नकल करनी चाहिए, ना ही किसी पे क्रोध करना चाहिए। शुक्रिया। आवाज में देते हैं, बढ़िया पता ना विजय सिंह ने तो कितनी बढ़िया बात बताई। ओ देश में कोई धन है क्या, तेरी धूल से भर के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बागे है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की, जा भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, बाकी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से भर के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल छोटा बच्चा कोई मस्ती में, ओ, 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 ओ,
अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन सरासरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संपूर्ण भूलोक पर दैदीप्यमान वीरों की जननी भारत भूमि को नमन। पांडवों के द्वारा स्थापित इस विश्वकर्मा की इंद्रप्रस्थ नगरी को नमन। देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले मेजर अशोक शेरावत को नमन। जिस विशाल वृक्ष की छाया में यह विद्यालय पुष्पित और पल्लवित हो रहा है, ऐसे कृतज्ञता विभूत एवं जीवन सौंदर्य के पार्थी सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, अपने ज्ञान रूपी अमृत से इस विद्यालय रूपी बगीचे को सींचने वाले विद्वान साथियों, गंगा के समान पवित्र मातृशक्ति, देश के भविष्य प्यारे बच्चों, आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह देश, जहां दूध दही की नदियां बहती थी, साहित्य और संगीत की मंदाकिनी अविरल रूप से प्रवाहमान थी, चाणक्य जैसे राजा और चाणक्य जैसे विद्वान मंत्री इस देश में पैदा हुए। आमजन सुखी और संपन्न था, लेकिन समय बदलता गया। जिस प्रकार काल के प्रभाव से सूर्य और चंद्रमा जैसे दैदीप्यमान देव राहु का ग्रास बन जाते हैं, ऐसे ये भारतवर्ष पहले अब आक्रमणकारियों, फिर मुगलों और फिर अंग्रेजों का ग्रास बना, फिर गुलामी तो बस गुलामी है। भारत के उद्योग धंधों को इन विदेशी शक्तियों ने नष्ट कर दिया, जिससे भारत आर्थिक दृष्टि से पंगु हो गया। हमारे शिक्षा के केंद्रों को ध्वस्त कर दिया गया। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जिसमें हमारा सदियों का ज्ञान संचित था, उसके पुस्तकालय को जला करके नष्ट कर दिया गया। इस दर्द से भारत माता करार उठी। इस दर्द को उन महान नाम अनाम स्वतंत्रता सेनानियों ने महसूस किया और स्वतंत्रता संग्राम रूपी यज्ञ की वेदी पर अपने आहुति देकर देश को आजाद कराया। 1857 से 1947 के बीच 90 वर्षों में चले युद्ध में लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी। वे नहीं चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों में भी हमारी पीढ़ियां युद्ध की विभीषिका में जलती रहे। वे भी अमन चैन और शांति चाहते थे। प्यारे बच्चों, हमारी आपसी फूट के कारण जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद का फायदा उठाकर विदेशी शक्तियों ने हमें कब्जे में किया था, हमारे देश को गुलाम बनाया था। हमें वो इतिहास दोबारा नहीं दोहराना है। ये वतन भारत माँ का उदर है और एक उदर से पैदा होने वाले सभी सहोदर होते हैं। इस भारतवर्ष, इस वतन में पैदा होने वाले हम सभी सहोदर हैं, सभी सगे भाई हैं। हम किसी भी वाद में न फंसकर इस हिमालय को झुकने नहीं देंगे। यही उन स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्यारे बच्चों, आने वाला समय ये भारतवर्ष का भार आपके कंधों पर आने वाला है, इसलिए कंधे मजबूत करो, ईमानदार, बुद्धिमान और बलवान बनो, चरित्रवान बनो। इस देश में चरित्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों के विद्यार्थी आया करते थे। एतद् देश सुतस्य सका सात अग्र जन्म न है, तुम तम चरित्रम शिक्षे रन प्रतिज्ञात हो मानव। सही से सुन ले पहले। जिस व्यक्ति में ईमानदारी और जो चरित्रवान होता है, उसे दुनिया में हर जगह सम्मान मिलता है। सत्य और अहिंसा दो सिद्धांतों को साथ लेकर चलने वाले अदृश्य शरीर वाले महात्मा ने ऐसी महाशक्ति के घुटने टिका दिए, जिसके साम्राज्य का कभी सूर्यास्त नहीं होता था। हमें भी उन्हीं महापुरुषों के कदमों पर चलना चाहिए। भीष्म पितामह और विवेकानंद की कर्म भूमि भारतवर्ष के विद्यार्थियों, चरित्रवान बनो। यदि चरित्र है तो सब कुछ है। इफ यू लॉस्ट मनी यू लॉस्ट नथिंग, इफ यू लॉस्ट हेल्थ यू लॉस्ट समथिंग, इफ यू लॉस्ट करेक्टर यू लॉस्ट एवरीथिंग।
यदि आपने करैक्टर खो दिया तो कुछ नहीं बचता है। करैक्टर में केवल ये सामान्य सा अर्थ नहीं निकाल सकते, करैक्टर है वह जीवन का संचालन करता है। और यदि हम करैक्टरवान हैं, चरित्रवान हैं, तो हम देश को सही ढंग से चला पाएंगे। हमारे महापुरुष चाहते थे कि हम तो यहाँ भेजेंगे झगड़ा नहीं करना है, हमें कोई युद्ध नहीं लड़ना है, हमें संसार में श्रेष्ठता हासिल करनी है। आने वाले समय आपका ही है मेरे विद्यार्थियों। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि अभय प्रयाण करो तुम, भावी प्यास तुम्हारा है। अभय प्रयाण करो तुम, भावी प्यास तुम्हारा है। नक्षत्र के हैं बुझे, ये खाली आकाश तुम्हारा है, ये खाली आकाश तुम्हारा है। अब ये नक्षत्र बुझेंगे, अर्थात जो वर्तमान में नेता, अभिनेता, अध्यापक, प्रशासनिक अधिकारी जो भी है, आगे आने वाले समय में वो आप ही होंगे। इसलिए आप मेहनत करो और देश को संभालने की योग्यता को धारण करो। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे ऊपर ऋषि ऋण होता है, हम गुरु हैं, हमारे ऊपर ऋषि ऋण होता है, हम ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भेजते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके आपको भी हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाना है और आने वाली पीढ़ियों में भी स्वाभिमान और देश के प्रति प्यार पैदा करना है। ये सबसे बड़ा गुण है और सभी गुण अपने आप आते चले जाएंगे। यदि आप में स्वाभिमान और देश प्रेम है तो सारे गुण अपने आप ही आते चले जाएंगे। समय का कोई भरोसा नहीं है। उर्दू साहब निजामपुरी ने कहा है कि हम रहे न रहे मोहब्बत रहेगी, दास्तां हमारी है दुनिया कहेगी, फल पूरा करो जिंदगी का। यारो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही धन्यवाद रोकाष्टर, बहुत अच्छा भाषण था आपका बेटा। एक साध्वी एस मेरे दर्श नाम का लड़का है, सेवंथ ए में, दर्श सेवंथ ए। आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा करो कुर्बानी। ठंडे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ तो पूछे जाती है घर कब आओगे, के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, के तुम ये घर सुना सुना मैं करा जहाँ की जो सिर्फी जाती थी जो मेरे साथ थी मुझको की लड़ाई बच्चों बहुत पहले शुरू हुई थी 1857 में भी, और उस समय अधूरी रह गई और देश के बहुत सारे लोग जो गुमनाम थे ब्रिटिश ने उनको अंडमान निकोबार में बंद कर दिया, जिसे काला पानी कहते थे। बच्चों शांत रहोगे तो समझ आएगा बेटा।
तो वहां पर जो यातनाएं ब्रिटिश रहते थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो गुमनाम है, उनके बारे में हम सब नहीं जानते। और मैं आपको दो भाइयों की कहानी बताता हूँ बच्चों, जो 1910 में कैद होके 1925 तक काला पानी में रहे और जैसे तैसे करके जब वो वापस आए तो वहां पर बहुत दूर कैसे याद आती है अपने वतन की। तो वहां पर एक स्वतंत्रता सेनानी अपने मन की बात कहता है, मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी
राघव सर जी के बारे में तो सभी बहुत कुछ कहना चाहेंगे, इस स्कूल की जान है, जब चले जाएंगे तो हम आपको बहुत मिस करेंगे सर। हमारी अगली पेशकश तेरी मिट्टी में मिल जाना बाय सेंट्रल एंड ग्रुप, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। राघव कहे मेरे वतन के लोगों जय।
भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी दरयाद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में तैया जारी, करे बात करो कुर्बानी वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। घर तुम दीवारी वो खेल रहे थे रोज, हम बैठे थे घरों में सब खेल रहे थे गोल। Yeah.
Thank you.
जाते हैं। तो आजादी का उत्सव मनाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए थे और वो उत्सव न मना के भागने लगते हैं घर की ओर। कुछ बांटते हैं तो तोड़ने लगते हैं और पीछे से बच्चे के बड़े बच्चे हैं उससे कैसी घूमेगा जो इधर आ रहा है। उन बच्चों को आप कुछ भी नहीं मिलेगा। कैसा बच्चा चाहिए? बहुत ही मजबूत बच्चा चाहिए, स्वाभिमानी चाहिए, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत भेज सके, ऐसा चाहिए। कमी अधिक है, तुम लोग बहुत नजदीक बैठे हुए हो और मैं नहीं चाह रहा था कि उन सभी को रोकना, लेकिन बहुत अधिक बच्चे नहीं आए थे आज। 1650 के आसपास हमारे पास स्टूडेंट है, इसलिए हम 6 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों को यहाँ कहा कि रुक जाओ। एकाएक मुझे लगा कि खाली हाथ तो जाएगा नहीं, कुछ मंगा लेते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि बहुत अधिक पैसे इस विद्यालय के पास नहीं है। फिर भी हमारा कर्तव्य था कि तुम्हें खाली हाथ आज न जाने दे। तो जहाँ से मंगाया गया टाइम लग रहा था इसलिए तुम्हारे उसमें रोका गया था, और जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पे आके उसके दिल को भी सांत्वना मिले कि वो कर पाए, इसलिए रोका गया था यहाँ। अभी हम जाएंगे जब तो लाइन लगा के जैसे कहा जाए इधर से एक एक करके निकलेंगे गेट पे। उन बच्चों से मुझे बात करना है, उसको मैं बाद में जब तुम सभी चले जाओगे तो आगे बुलाया जाएगा। तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं एक एक लाइन यहाँ से।